हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में, तो डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इवान गोंजालेस को अपने आने वाले सीजन के लिए साइन करवा लिया है और भी कई सारे फॉरेन खिलाड़ियों को टारगेट किया है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट, जिनके साथ अभी बातचीत शुरू है या फिर हम कह सकते हैं कि बातचीत चल रहा है। तो एक नया अपडेट आ रहा है कि फॉर्मर एफसी गोवा के खिलाड़ी जेम्स डोनाकी इंडियन सुपर लीग में वापसी करने वाले हैं। लास्ट सीजन इन्होंने एफसी गोवा के लिए नहीं खेला था, लेकिन उससे पहले वाले सीजन में जेम्स डोनाकी इंडियन सुपर लीग में एफसी गोवा के लिए खेल रहे थे, लेकिन लास्ट सीजन सिडनी एफसी के लिए ए लीग में खेल रहे थे। लेकिन गाइस, जेम्स डोनाकी का कॉन्ट्रैक्ट सिडनी एफसी के साथ इसी साल खत्म हो रहा है, तो इसीलिए सिडनी एफसी को छोड़कर इंडियन सुपर लीग में वापसी करने की कोशिश जेम्स डोनाकी कर रहे हैं। तो इसी के कारण जेम्स डोनाकी का एजेंट जो है काफी सारे आईएसएल क्लब के साथ बातचीत कर रहा है और उन आईएसएल क्लब्स में ईस्ट बंगाल एफसी भी शामिल है। तो उन सारे आईएसएल क्लबों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है ईस्ट बंगाल एफसी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, इवान गोंजालेस साइन कर चुका है, तो इसीलिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट फॉर्मर एफसी गोवा के दो खिलाड़ियों को अपनी टीम में साइन करवाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो दो फॉरेन सेंटर बैक ईस्ट बंगाल एफसी को मिल जाएगा और बेहतरीन सेंटर बैक लाइन हो जाएगा, क्योंकि इवान गोंजालेस और जेम्स डोनाकी पहले भी एफसी गोवा के लिए एक संग खेल चुके हैं सेंटर बैक के पोजीशन में। तो गाइस, इसीलिए इन दोनों को एक साथ खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एफसी गोवा के लिए खेल चुके हैं। और इसके अलावा एक और फायदा ईस्ट बंगाल एफसी को मिलेगा कि उनको एक एशियन कोटा फॉरेन खिलाड़ी मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जेम्स डोनाकी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया एएफसी कन्फेडरेशन में आता है, तो एक एशियन कोटा फॉरेन खिलाड़ी मिल जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी को। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो आप सभी को पता ही हुआ कि हर एक आईएसएल क्लब में एक एशियन कोटा फॉरेन खिलाड़ी का होना कंपलसरी है, ये बात आप सभी को पता ही है, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जेम्स डोनाकी अगर साइन करते हैं ईस्ट बंगाल एफसी को तो कितना फायदेमंद होगा ईस्ट बंगाल एफसी टीम के लिए? आप अपना राय ज़रूर कॉमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।